दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाई थी। धर्मशाला में आखिरी टेस्ट के बाद जब हेड कोच राहुल द्रविड़ से सीरीज के सबसे शानदार पल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजकोट में अश्विन की वापसी को सबसे शानदार बताया था। दरअसल राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन अश्विन को अचानक से घर लौटना पड़ा था। तब BCCI ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी थी और फैमिली इमरजेंसी का हवाला दिया था। बाद में ये बात सामने आई थी कि अश्विन की माँ बेहोश होकर गिर गई थी और उनकी हालत काफी खराब थी। ऐसे में अश्विन राजकोट टेस्ट को बीच में छोड़कर अचानक से घर वापस लौट गए थे। हालांकि टेस्ट के चौथे दिन तक सब कुछ नॉर्मल होने पर अश्विन मैच में वापस लौट आए थे। लेकिन दोस्तों अब इस दिग्गज स्पिनर ने उस घटना से पर्दा उठाया है और अपनी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पूरी कहानी बताई, साथ ही ये भी बताया कि कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी काफी मदद की थी। अश्विन ने रोहित को बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बराबर बताया। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन जब मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। इसी तरह रहते हुए मुझे रात के 9:30 बज गए थे। अगर मैं भी कप्तान होता तो अपने खिलाड़ी को ये जरूर कहता कि तुम घर जाओ। हालांकि रोहित ने जो किया वो अलग था। उन्होंने किसी को मेरे साथ घर जाने कहा और पूरे रास्ते मेरे साथ वाले शख्स को मेरी हालत के बारे में वो पूछते रहे कि क्या मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। मैं रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान देख सकता हूँ। मैं इस पर अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकता। मैंने कई सालों से कई कप्तानों के अंदर क्रिकेट खेला है लेकिन रोहित शर्मा में कुछ तो अलग बात है। उनका दिल काफी साफ है और इसी वजह से वो IPL में 5 ट्रॉफियां जीत पाए हैं, जो कि धोनी के बराबर है। ऊपर वाला जल्दी किसी को इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं देता है। मैं बस चाहता हूँ कि रोहित को और कामयाबी मिले। किसी के बारे में इतना सोचना और उसके परेशानियों को समझना और फिर उसका ख्याल रखना रोहित ने काफी किया। इस मतलबी दुनिया में एक ऐसे शख्स का मिलना काफी मुश्किल है। वेल, अपनी फैमिली इमरजेंसी के बारे में अश्विन ने बताया कि उनकी माँ बेहोश होकर गिर गई थी और उन्हें चेन्नई में ICU में भर्ती कराया गया था। भारतीय स्पिनर ने अपने YouTube चैनल पर इस घटना को याद करते हुए कहा, हम मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रोहित, मैं और कुछ और खिलाड़ी मैच को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि मेरे पास मेरे परिवार और पत्नी का आज कॉल नहीं आया। मुझे लगा वो किसी से बात करने या इंटरव्यू देने में व्यस्त होंगे। मैंने पत्नी प्रिया को 7:00 कॉल किया और पूछा कि माँ पापा कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस वक्त प्रीति की आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। प्रीति ने बताया कि माँ के सिर में दर्द था और वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये सुनकर मैं काफी शॉक्ड था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं या क्या सवाल पूछूं। मैं रो रहा था लेकिन ये देख रहा था कि कोई मुझे रोता हुआ नहीं देखे। उस वक्त मेरे मन में काफी गलत ख्याल आ रहे थे। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैं अपने रूम में पहुंचकर काफी देर तक रोता रहा। तभी मेरे कमरे में फिजियो आए क्योंकि मैं उनकी कॉल नहीं उठा रहा था। राहुल द्रविड़ और रोहित भी मेरे कमरे में आए और मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद मैंने फ्लाइट की तलाश शुरू कर दी लेकिन मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। राजकोट एयरपोर्ट 6:00 बंद हो जाता है। 6:00 के बाद से वहाँ कोई भी फ्लाइट नहीं रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रोहित और राहुल द्रविड़ भाई मेरे रूम में आए। रोहित ने मुझसे कहा कि कुछ भी मत सोचो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुरंत अपने परिवार के पास वापस चला जाऊं और फिर रोहित शर्मा मेरे लिए चार्टर्ड फ्लाइट की जुगाड़ में जुट गए। चेतेश्वर पुजारा को बहुत धन्यवाद। उन्हें अहमदाबाद में कुछ फ्लाइट्स मिले और उन्हें राजकोट आकर मुझे पिक करने के लिए कहा गया और पुजारा ने मेरी ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट किया और मुझे नहीं पता कि कैसे वो 2 घंटे बीत गए। अश्विन ने आगे बताया कि रोहित ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने हमारे फिजियो कमलेश को मेरे साथ चेन्नई तक यात्रा करने के लिए कह दिया। कमलेश टीम में 2 फिजियो में से एक है। एयरपोर्ट तक हमारे ट्रेवल के दौरान रोहित बार बार कॉल करते रहे और उन्होंने कमलेश से मेरे साथ हमेशा मौजूद रहने के लिए कहा। वेल, दोस्तों इस पूरे वाक्य को अश्विन ने शेयर करते हुए कहा कि धोनी महान है लेकिन रोहित में कुछ और ही बात है। वेल, बता दें कि रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 26 विकेट चटकाए थे जिसमें 2 5-विकेट होल भी शामिल है। इसके साथ ही 100 टेस्ट भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं। अपने 100वें टेस्ट में फाइफर लेने वाले वो दुनिया के 4थे गेंदबाज बने। उन्होंने धर्मशाला टेस्ट में टोटल 9 विकेट लिए जो कि किसी गेंदबाज के 100वें टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी की कला दर्शाती है।